नमस्कार कुकू फैक्ट्स के प्यारे दर्शकों, आज हम आपके साथ एक खास मौका साझा कर रहे हैं हिंदी दिवस के अवसर पर। हिंदी दिवस के इस महत्वपूर्ण मौके पर हम आपको एक रोचक और जाने माने तथ्यों से भरपूर वीडियो लेकर आएंगे। तो जानिए हिंदी दिवस के इस खास दिन पर हम किस प्रकार से हिंदी भाषा के महत्व को समझ सकते हैं और उसका समर्थन कैसे कर सकते हैं। इसे हमारे YouTube चैनल कुकू फैक्ट्स पर देखिए और हिंदी की सुंदर दुनिया में साथ चलें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे नए और रोचक वीडियो का आनंद उठा सकें। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी, इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए। अब हिंदी दिवस के इतिहास पर कुछ तथ्य। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने को कहा था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। एक वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत की राजभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 को काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की अनुच्छेद 343(1) में इस प्रकार वर्णित है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया। इसी दिन हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था। इस कारण हिंदी दिवस के लिए इस दिन को श्रेष्ठ माना गया था। हालांकि जब राष्ट्रभाषा के रूप में इसे चुना गया और लागू किया गया तो हिंदी भाषी राज्य के लोग इसका विरोध करने लगे और अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा देना पड़ा। इस कारण हिंदी में भी अंग्रेजी भाषा का प्रभाव पड़ने लगा। हिंदी सप्ताह के बारे में कुछ जानकारी। हिंदी सप्ताह 14 सितंबर से एक सप्ताह के लिए मनाया जाता है। इस पूरे सप्ताह अलग अलग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन विद्यालय और कार्यालय दोनों में किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य हिंदी भाषा के लिए विकास की भावना को लोगों में केवल हिंदी दिवस तक ही सीमित न कर उसे और अधिक बढ़ाना है। अब जानेंगे कुछ और बातें। पुरस्कार। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को उत्साहित करने हेतु पुरस्कार समारोह भी आयोजित किया जाता है, जिसमें कार्य के दौरान अच्छी हिंदी का उपयोग करने वाले को ये पुरस्कार दिया जाता है। ये पहले राजनेताओं के नाम पर था, जिसे बाद में बदल कर राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार और राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार कर दिया गया। राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार लोगों को दिया जाता है, जबकि राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार किसी विभाग, समिति आदि को दिया जाता है। राजभाषा गौरव पुरस्कार। ये पुरस्कार तकनीकी या विज्ञान के विषय पर लिखने वाले किसी भी भारतीय नागरिक को दिया जाता है। इसमें 10,000 से लेकर 2,00,000 रुपए के 13 पुरस्कार होते हैं। इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 2,00,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 1,50,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 75,000 रुपए मिलता है। साथ ही 10 लोगों को प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में 10,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार प्राप्त सभी लोगों को स्मृति चिन्ह भी दिया जाता है। इसका मूल उद्देश्य तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना है। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। इस पुरस्कार योजना के तहत कुल 39 पुरस्कार दिए जाते हैं। ये पुरस्कार किसी समिति, विभाग, मंडल आदि को उसके द्वारा हिंदी में किए गए श्रेष्ठ कार्यों के लिए दिया जाता है। इसका मूल उद्देश्य सरकारी कार्यों में हिंदी भाषा का उपयोग करने से है। अब जानेंगे हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष में एक दिन इस बात से लोगों के समक्ष रखना है कि जब तक वे हिंदी का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं करेंगे तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता है। इस एक दिन सभी सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त जो वर्ष भर हिंदी में अच्छे विकास कार्य करता है और अपने कार्य में हिंदी का अच्छी तरह से उपयोग करता है उसे पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जाता है। कई लोग अपने सामान्य बोलचाल में भी अंग्रेजी भाषा के शब्दों का या अंग्रेजी का उपयोग करते हैं, जिससे धीरे धीरे हिंदी के अस्तित्व को खतरा पहुंच रहा है।
जिस प्रकार से टेलीविजन से लेकर विद्यालयों तक और सामाजिक संचार माध्यम से लेकर निजी तकनीकी संस्थानों एवं निजी कार्यालयों तक में अंग्रेजी का दबदबा कायम है, उससे लगता है कि अपनी मातृभाषा हिंदी धीरे धीरे क्षीण और फिर दशकों बाद विलुप्त न हो जाए। यदि शीघ्र ही हम छोटे छोटे प्रयासों द्वारा अपनी मातृभाषा हिंदी को अपने जीवन में एक अनिवार्य स्थान नहीं देंगे तो ये दूसरी भाषाओं से हो रही स्पर्धा में बहुत पीछे रह जाएगी। यहाँ तक कि वाराणसी में स्थित विश्व में सबसे बड़ी हिंदी संस्था आज बहुत ही खस्ता स्थिति में है। इस कारण इस दिन उन सभी से निवेदन किया जाता है कि वे अपने बोलचाल की भाषा में भी हिंदी का ही उपयोग करें। इसके अतिरिक्त लोगों को अपने विचार आदि को हिंदी में लिखने भी कहा जाता है। चूंकि हिंदी भाषा में लिखने हेतु बहुत कम उपकरण के बारे में ही लोगों को पता है, इस कारण इस दिन हिंदी भाषा में लिखने, जांच करने और शब्दकोश के बारे में जानकारी दी जाती है। हिंदी भाषा के विकास के लिए कुछ लोगों के द्वारा कार्य करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इसके लिए सभी को एकजुट होकर हिंदी के विकास को नए आयाम तक पहुंचाना होगा। हिंदी भाषा के विकास और विलुप्त होने से बचाने के लिए यह अनिवार्य है। आशा है कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।